का स्थान है। प्लीज सर। देना माइक। थैंक यू सो मच सर। लाइक मेरा जो क्वेश्चन है इसकी लाइक हम मोटिवेट होते सपोज आपकी वीडियोस देखी या किसी की भी किसी से भी मोटिवेट हुआ इंसान देन लाइक वी प्लान बिग बट जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है आई मीन हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें बेसिकली दैट आई वांट टू नो कि जिससे कि मतलब लाइक हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाए लाइक कि हम नाउ आवर प्लानिंग इज बीइंग सक्सेसफुल। ये जो आपका क्वेश्चन है ना इसकी तीन लेयर्स है। एक है बॉडी, एक है इंटेलेक्ट, एक है इमोशंस। तीनों लेवल पे हमको काम करना होगा तब जाकर के एक्चुअल में एनर्जी बनी रहेगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब एक टेबल है उसके तीन पैर हैं। जैसे यहां पे टेबल है इसके तीन पैर हैं। नहीं दिख रही कोई बात नहीं, अब देखना क्या है। सारे टेबल नहीं देखी कभी। तीन पैर वाला आदमी होता तो देखते हैं मतलब ठीक है, टेबल में क्या देखना है। तो तीन पैर वाली टेबल है, अगर एक पैर को हम हटा दें तो क्या होगा? टेबल गिर जाएगी। सिंपल है ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन के तीन एस्पेक्ट्स हैं, तीन पिलर्स हैं। तीन में से एक पे भी अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो ये नहीं हो सकता है। पहला आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए। आपके अंदर इमोशनली आप बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप हुए पड़े हो, इंटेलेक्चुअली भी सारे प्लान्स रेडी है, बॉडी की वॉट लगी पड़ी है, क्या करोगे? इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे। उस वक्त कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो हो सकता है ये जो आपका क्वेश्चन है इसके तीन कॉजेज हैं। अब कौन सा है वो आपको खुद देखना है अपने लिए। किसी के केस में हो सकता है ये होगा, किसी के केस में वो, किसी के केस में कुछ और। अगर इन तीनों को बारीकी से आपने समझ लिया और तीनों को संभाल लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ। ज्यादातर लोगों की एज के साथ साथ एनर्जी कम होती है, आपकी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे होगा? नंबर वन बॉडी, तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। एज सिंपल एज इट मे साउंड, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। कितने हैं जो एक्चुअल में अपनी बॉडी के ऊपर डेली एक घंटा काम करते हैं अच्छे तरीके से? मतलब बॉडी चीखने लग जाती है, कहती है कि नहीं बस करो बहुत हुआ, चाहे वो योगा हो चाहे जिम हो चाहे ये हो वो हो, एक्चुअल में स्वेट निकलता है बॉडी में से बहुत कम। करते भी होंगे तो मुझे पता है क्या करते होंगे, थोड़ा बैलकनी में वॉक कर ली सर, आज तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो अब जरा खा लेते हैं। इतनी सी बैलकनी नहीं है, वहां पे वॉक कर रहे हो, देखा है मैंने ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूं बॉडी पे काम करने का मतलब क्या, समझ आ रहा है? डेफिनेशन समझ आ रही है? पसीने आने चाहिए, यू मस्ट स्वेट, इतना एक्सरसाइज करना है डेली, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी। क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। तो अब ये बात थियोरेटिकली तो हमको समझ आती है, प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं कर पाते? कभी पूछा है अपने आपसे? लोगों के पास टाइम नहीं है सर। अरे क्या बकवास बात है ये, लोगों के पास में टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। नेवर गेट इन टू दिस एक्सक्यूज मोड। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि दिन में 24 में से 20 घंटे करो, 24 घंटे में से एक घंटा, परसेंटेज वाइज कितना हुआ? हार्डली 4%। एक घंटा तो अपने ऊपर लगाना बनता है ना, अपनी बॉडी के ऊपर। और टाइम नहीं है तो टाइम हमारा जा रहा है तो कहां जा रहा है? अगर बॉडी आपकी फिट नहीं रही, कुछ अचीव कर भी लिया वो किस काम का है? आप कहते हो टाइम नहीं है, किस में टाइम जा रहा है? पैसा कमाने में जा रहा है। अच्छा ठीक है, पैसा तो आपने कमा लिया, बॉडी की वॉट लगी हुई है, कमा किसके ले रहे हैं? ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है ना अपनी फैमिली के लिए काम का है, बल्कि एक लायबिलिटी है। कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बातें सुनने में? सच है। अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों में बिजी हूं, तो वो मां जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती वो बच्चों का क्या रखेगी? पहले आपको खुद का ध्यान रखना है तब आप बच्चों का रख सकते हो ना। तो इस एक्सक्यूज में कभी मत पढ़ो, ये देख लो ये एक एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है। नेवर से टाइम नहीं है। द मोमेंट यू से दैट एंड योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इट, टॉपिक क्लोज। अब इस एक्सक्यूज को आप कहीं भी फिट कर सकते हो कि सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है, खत्म, दी है। अब कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब रुक जाओ आराम से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि हम रुक जाते हैं, क्यों? देखो ध्यान से समझो, बिकॉज पड़े रहने में कुछ ना करने में
यही कह लो आलसी बने रहने में एक मजा है, आलस में मजा है। सुबह 12 बजे उठने में मजा है या 6 बजे उठने में मजा है? 12 बजे उठने में मजा है। कुछ करना ना पड़े, किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, मतलब आराम से बैठे रहो, मतलब मान लो आपकी बैल्कनी से कुछ नजर आता है, पार्क में लोग बैठे हैं, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे देखते रहो, मजा है। खुद करोगे तो सजा है। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी 3 पिलर्स में से हम पहले वाले पिलर पे हैं, वो क्या है? बॉडी। यानी एक है पड़े रहने का मजा, लेकिन ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म में तो इसमें मजा है नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गैराज में रख दो, ऊपर से पानी बारिश है, वो जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी पड़े पड़े। तो अब आपको क्या करना होगा, अभी आपको मजा आ रहा है कुछ ना करने में, अगर आपको कुछ करने में मजा आने लग गया, उसमें भी मजा है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं। बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कि जब जैसे कितने हैं जो जिम करते हैं या किसी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मान लो कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10, 11, 12, 20 जो 21 बार 22 बार करते हैं, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मजा है या नहीं है? योर ब्रेन मस्ट क्रेव फॉर दैट स्वीट पेन, इसको स्वीट पेन बोल सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है, ब्रेन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे ब्रेन को समझाने लग जाओगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा है, बच्चे को जिस सांचे में ढाल दिया वैसे ही ढलता चला जाएगा। ब्रेन को अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, और नहीं यार आज तो बहुत ये क्या है, तो ब्रेन मान लेगी, ब्रेन उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करेगी कि अब आप नहीं कर सकते। बट अगर ब्रेन को आपने एक दो हफ्ते तक झूठ बोला, ब्रेन को आपने बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया, लड़ना नहीं है ब्रेन से, ब्रेन को बड़े प्यार से बोला कि देख बेटा ये जो पड़ा हुआ है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, सोच तू वहां जाएगा, तेरे को कुछ स्वीट पेन मिलेगा, उसके बाद में बॉडी में एक स्ट्रेंथ होगी, जब स्ट्रेंथ होगी तो चल भी रहा होगा तो उसमें एक मजा होगा। तो इफ यू स्टार्ट कॉलिंग इट स्वीट पेन, जैसे स्वीट्स के लिए हमारी ब्रेन क्रेव करती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे इस स्वीट पेन के लिए ब्रेन क्रेव करने लग जाएगी। जिस दिन आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, आपको लगेगा यार मजा नहीं आया आज, मतलब कुछ किया नहीं है, दिन बेकार हो गया आज का। अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बाकी सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, टाइम अपने आप निकल जाएगा। आप क्या गड़बड़ करते हो, आप बॉडी और माइंड को अलग अलग समझते हो, ये अलग अलग नहीं है। जब बॉडी फिट होती है तो माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाता है, नंबर वन बॉडी, नंबर टू इंटेलेक्ट, एंड नंबर थ्री इज इमोशंस। पहले इंटेलेक्ट को देखते हैं, इंटेलेक्ट से क्या होता है, प्लानिंग इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट, एग्जीक्यूशन इज द जॉब ऑफ योर इमोशंस। इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा आराम आराम से, व्हाट इज प्लानिंग, क्या इमोशन से प्लानिंग होती है, क्या मोटिवेशन से प्लानिंग होती है, क्या पॉजिटिविटी से प्लानिंग होती है? इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप कोई प्लान बनाओगे तो बेकार प्लान होगा, क्योंकि आप उसकी एक ही साइड को देखोगे, दूसरी साइड को देखोगे नहीं। यानी आपने कोई बिजनेस प्लान तो बना लिया और उसमें सारी उस बिजनेस की पॉजिटिव साइड्स तो देख ली, रिस्क को देखा ही नहीं, तो क्या वो अच्छा प्लान है? इमोशनल नहीं हुआ जाता है प्लान बनाते वक्त। यानी हम कैसे सोचते हैं, बताना मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जैसे हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर हम कुछ ऐसी चीज़ों को उससे कनेक्ट कर देते हैं जिसका दूर दूर तक उस प्लान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे को सब डिमोटिवेट करते रहते हैं, ये कौन सी ब्रेन आपकी एक्टिवेट हुई पड़ी है, इमोशनल ब्रेन या प्रैक्टिकल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। अभी इस स्टेज में ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे आपको इमोशंस को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना है, पूरी तरह से आप क्या कहोगे, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है, ऐसे देखना है जैसे आप अपने लिए नहीं, अपने किसी दोस्त के लिए प्लान बना रहे हो। चाहे आपका दोस्त है, उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम होती है? बाहर से दिखाते हो, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, अंदर से आपको क्या फर्क पड़ता है, ब्रेकअप हो गया आपको तो अपनी दारू की पड़ी है। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ये जो दोस्त है उसके साथ में क्या हो रहा है।
ये सब सच है झूठ है? तो ऐसे बनाओ अपना प्लान, सच को देखो और ऐसे बनाओ अपना प्लान। तो पहला स्टेप हेल्थ, दूसरा स्टेप प्लान, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी आती है इमोशंस से। इमोशंस को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, दैट इज एन इमोशन। विदाउट इमोशंस देयर इज नो एनर्जी। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, या जो इमोशनल ब्रेन है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। लॉजिकली आपको जितना मर्जी पता हो कि ये करना गलत है, लेकिन जब इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं तो अपने आप ही हाथ वहां पर चले जाते हैं, या आप वहां पर खींचे चले जाते हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आपकी लाइफ को एक्चुअल में इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस बेसिकली क्या है, अगर सिंपल वे में देखा जाए, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं कुछ करके, जिसमें आपको अच्छा फील होता है। तो दीज इमोशंस हैव गॉट अ बायोलॉजिकल बेसिस। इसकी जो फाउंडेशन है वो बायोलॉजी है, इसलिए इतने स्ट्रांग है इमोशंस को। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका प्लान क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। इमोशंस को जो करना है वो करेंगे। कैसे करते हैं? जैसी आते पड़ी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एंड डिसलाइक। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। अभी पसंद क्यों है? क्योंकि वो करने से कुछ अंदर रिलीज होता है, वो पसंद है। कोई भी बंदे को किसी भी तरह का एडिक्शन है, वो क्यों है? क्या उस चीज से एडिक्शन है? क्या दारू से एडिक्शन है? क्या नशे से एडिक्शन है? ना, उसकी वजह से जो अंदर होता है उससे एडिक्शन है। एंड दैट पर्सन वॉन्ट्स टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। इसको इमोशंस बोलते हैं। यहीं से एक्चुअल में एनर्जी मिलती है। तो अब ध्यान से समझना, अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब ये इसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसको बिल्कुल अपनी जो इमोशनल ब्रेन है ना, एक बच्चे की तरह देखो। छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं समझ आता है। लॉजिक कम्स फ्रॉम मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज। विदाउट नॉलेज देर इज नो लॉजिक इन लाइफ। बच्चों की लाइफ में लॉजिक कहाँ होता है? कुछ भी तोड़ना है तो तोड़ ही देते हैं ना। वो करते वही है जो उनको करना है। कुछ देर के लिए डर करके बाहर से आपको दिखा देंगे कि नहीं, हम आपकी बात मान रहे हैं, अंदर उनके कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसी आपकी इमोशनल ब्रेन है, वो करेगी वही जो उसको करना है। तो वहां से कब छूट पाओगे, कब निकल पाओगे? जब कुछ और करो जिसमें उससे ज्यादा मजा आए। अब ये मजा कैसे आता है? ये कहानियां हैं जो आप अपने आप को सुनाते रहते हो सुबह से रात तक। इमोशंस और क्या है? कहानियां ही तो है। तो अपने आप को एक नई कहानी सुना दो, बच्चे को एक नई कहानी सुना दो। कभी ऑब्जर्व किया है बच्चों को कहानी के थ्रू कंट्रोल करना कितना आसान है? लॉजिक से कंट्रोल किया जा सकता है? ना। और ऐसे ही हम कंट्रोल करते हैं जाने अनजाने बच्चों को। तो बेटे वो वहां से बाबा आएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा। कहाँ है वो बाबा, किसने देखा है? तो बच्चा वो कहानी को सच मान लेता है और बच्चा फिर उस गेट से बाहर नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है, इस इमोशनल ब्रेन को जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, उसको एक नई कहानी सुनानी है जो अभी आपकी एग्जिस्टिंग कहानी है उससे बिल्कुल अलग है। कि बेटे ये देख, तू ये जो कर रहा है ना, तू कर ले, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है बिल्कुल। द मोमेंट यू स्टार्ट फाइटिंग विद योर इमोशनल ब्रेन, तो वो आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब इमोशन से लड़ करके आप ज्यादा टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। बिल्कुल ऐसा है जैसे नदी का बहाव बहुत तेज है इस तरफ और आप चौड़े में कह रहे हो कि मैं तो इधर जाऊंगा। चले जाओगे थोड़ी देर तक, उसके बाद में हाथ पैर सब जवाब दे देंगे, आप कहेंगे बाढ़ में गया सब, जा रहे जाने। ऐसा होता है? नहीं होता है। बहाव बहुत तेज है, तो इस बहाव को समझना होगा। तो अब ध्यान से समझो, अगर आप अलग तरह की कहानियां सुनाने लग जाओ अपने आप को, और वो कहानी में क्या होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। कहानियों में होते हैं, डर होना चाहिए। फियर इज एन इमोशन, वेरी पावरफुल इमोशन। मतलब अभी जहां पर आपको मजा आ रहा है वहां पर डर लगना चाहिए, और जहां पर डर लग रहा है वहां पर मजा आना चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए। तो वो कहानी अगर बकवास भी होगी, या झूठी भी होगी, या मनगढ़ंत भी होगी, क्योंकि अभी भी जैसे आपकी लाइफ चल रही है वो कोई सच नहीं है, कहानी मनगढ़ंत ही है। ऐसी अपनी कोई कहानियां बनाई हुई है कि मैं ये कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बकवास है वो कहानी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी गई गुजरी सिचुएशन में है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देख पा रहे हो ना इस सच को? अभी भी आपकी कहानियां हैं तो मनगढ़ंत थी। तो एक नई कहानी बनाओ और अपने इस इमोशनल ब्रेन को बार बार वो कहानी सुनाओ कि देख बेटा, अगर इन्हीं ऐसे ही पड़ा रहा
तो आने वाले टाइम में ये होगा, फिर ये होगा। जा बेटा एक बार हॉस्पिटल में देख करके आ, क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ, चले जाओ हॉस्पिटल में, दिखाओ अपनी इमोशनल ब्रेन को, देख बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ज्यादा पुश करना है अपनी लिमिट्स को तो शमशान घाट में चले जाओ। तो इमोशनल ब्रेन क्या करेगी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसी कहानी बदलेगी, जैसी आपकी इमोशनल ब्रेन उस कहानी को सच मान लेगी, तो केमिकल्स रिलीज होने बंद हो जाएंगे, वहां कुछ और रिलीज होगा, एकदम से डर लगने लग जाएगा, यार ये मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसी कहानी बना पाओ देन यू आर सुपर इंटेलिजेंट। देखो मैं तीनों को डिफाइन कर देता हूं, बेवकूफी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और सुपर इंटेलिजेंस क्या है। बेवकूफी क्या है कि जो कहानी जैसी बनी हुई है हमारी लाइफ की उसके हिसाब से लाइफ चलती चली जाए, और वो कहानी बनी कैसे है, वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पूरी दुनिया है, उन्होंने आपके माइंड में कुछ कहानियां बना दी है जो उनके लिए फायदेमंद है, तो वो कहानी किसकी, दुनिया की, वो दुनिया की कहानी आपकी लाइफ को चला रही है। ये सफोकेटिंग होता है बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी लाइफ की बोट को कोई और चला रहा है और आप जाना नहीं चाहते वहां पर, लेकिन वो जा रही है। ये हो गया सबसे बेवकूफों वाला तरीका लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका जो इससे बेटर है वो क्या है कि आप एक नई कहानी बनाओ बेस्ड अपॉन कि क्या होने वाला है, जिसको ड्रीम्स बोलते हैं, कि अगर मैं ये नहीं करके ये करता हूं तो आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद ये हो जाएगा। ये उससे बेटर है लेकिन स्टिल इतनी बढ़िया कहानी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल हो। एक तीसरी कहानी है जो बड़ी कमाल की है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वो क्या है कि आप एक ऐसी कहानी बना दो जिसमें कि जो काम आप करना चाहते हो, जो आपको अंदर से पता है कि आपके लिए करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ जिसकी हमने बात करी, तो एक ऐसी कहानी हो कि उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें आपको मजा आने लग जाए। दोनों में फर्क समझ आया? एक कहानी है कि आप कुछ भी ना करो हेल्थ के लिए, द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो अपने आप ही हेल्थ खराब होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड की आदत पड़ी है तो जंक फूड खाए चले जा रहे हो, कुछ नहीं करने की आदत पड़ी है तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो सबसे बेवकूफों वाला तरीका हो गया लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं कि शीशे में देखते हो अच्छा नहीं लगता है, बुरा फील होता है, तो आपने एक पोस्टर लगा दिया उस शीशे के सामने किसी और का, क्या मुझे ऐसी बॉडी चाहिए अगले 1 साल के अंदर अंदर, समझ गए? ये उससे बेटर है क्योंकि तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन इतना समझदारों वाली कहानी नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप 2-3 महीने कुछ करोगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। या ये कह लो जबरदस्ती अपने आप को पुश करना, बल्कि देखना कुछ इंटरेस्टिंग है, बल्कि जबरदस्ती अपने आप को पुश करना पड़ेगा, यानी कि लड़ना पड़ेगा अपनी इमोशनल ब्रेन से। इस केस में लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल ब्रेन को ये तो चाहिए जो 2 साल बाद होने वाला है, लेकिन 2 साल तक जो करना पड़ेगा डेली 1 घंटा वो नहीं चाहिए। तो इमोशनल ब्रेन से आप लड़ ही नहीं सकते। इमोशनल ब्रेन बार बार उसको छोड़ करके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम आप जिम गए भी, फिर छोड़ करके वापस वहीं आ जाओगे काउच के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे मजा ज्यादा आ रहा है, समझ गए ना? बच्चा वहीं आ जाएगा जो बच्चा चाहता है, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा 2 साल बाद क्या होने वाला है, वो समझता ही नहीं है बच्चा। तो बच्चे को इसकी थोड़ी पड़ी है 2 साल बाद क्या होने वाला है, बच्चे को तो अभी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना, मतलब ये लड़ाई हो गई, भयानक लड़ाई। अब सबसे समझदार वाला तरीका कौन सा है, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग इट, जिसमें अपने आप ही गोल अचीव हो जाएंगे सारे, पता भी नहीं लगेगा। कि वो बॉडी को बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, आपने प्लान ऐसा बना दिया कि डेली आपको 1 घंटे में इतना मजा आना चाहिए वो करने में जितना बाकी 23 घंटे में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आना चाहिए आपकी इमोशनल ब्रेन को, मतलब करते करते ऐसा होना चाहिए कि दिस इज लाइफ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो शुरू में बोलना शुरू कर दो, कैसा लगा करने के बाद, मजा आया, करते वक्त मजा आया, समझे? तो अगर ये झूठ आप बोलते रहे कुछ दिन तक तो क्या होगा, आपको करने में मजा आने लग गया। अब वो करते रहोगे मान लो 6 महीने साल 2 साल 3 साल 5 साल, क्या होगा, रिजल्ट तो आना ही आना है। तो रिजल्ट में भी मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा, आदत भी बन गई है, और प्लस इमोशनल ब्रेन भी आपके साथ चल रही है, आपको अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इमोशनल ब्रेन ये आप पे हावी हो जाएगी, वो आपको पुश करेगी बार बार करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।